तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आया छोटी हो तो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। एंड आज की इस न्यू ब्लॉग में हम आपको स्वागत करते हैं। इस वक्त हम हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में। यस फ्रेंड्स, हम लोग कल रात में पहुंच गए, तो कल रात में वीडियो शूट करना इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो आज हम सुबह सुबह उठ के वीडियो शूट कर रहे हैं। एंड इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा हमारा टूर है वो देखूँगा, बाकी आगे तो आपको मिलेगा ही सफारी टूर। तो अभी सबसे पहले हमारा रूम टूर तो देख रहा हूँ, कोटेज टूर आई मीन। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं जो है आपको अपना कोटेज टूर दिखाने वाला हूँ, कोटेज टूर हमारा। ओके, यहाँ पर हमने स्टे किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पीसफुल बेंच मार्क्स की। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर एक टेबल है जो पूरी बैम्बू की बनी हुई है। एंड यहाँ पर चार चेयर्स भी लगे हैं, तो इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया। कोटेज है यहाँ पे, देख सकते हो आप, उस साइड पे कोटेज है, इस वॉल के उस साइड पे ये हमारा कोटेज है जहाँ पर हम स्टे किए हैं, कोटेज नंबर 3। ये फॉरेस्ट एरिया है, हालांकि ये तो सब तो कवर्ड होगा कुछ किलोमीटर्स बाद। एंड ये है कोटेज नंबर 2, उधर कोटेज नंबर 1 आता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ वे देख सकते हो, इधर से ये कोटेज, ये वे है सारा जाने का। ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये आगे जाके रिजॉर्ट में ही पड़ता है। फ्रेंड्स, इस वक्त जो हम लोग रिजॉर्ट में स्टे किए हैं उसका नाम है मोगली रिजॉर्ट। ये भी आपको टाइगर रिजर्व के पास ही मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी अपने टूर देख लिया, तो बहुत अमेजिंग टूर था। एंड अभी हम लोग जो है मुगली रिजॉर्ट में स्टे किए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। ये जो है मुगली रिजॉर्ट, बहुत सारे रिजॉर्ट इसके आगे भी आते हैं, आप जो भी रिजॉर्ट में चाहो उस रिजॉर्ट में आप बुकिंग कर सकते हो अपनी, एंड यू कैन स्टे ओवर देयर। है ना, बहुत पीसफुल एरियाज हैं जितने भी मेरे को दिख गए हैं यहाँ पे। फिर देखने जाए तो इनके बहुत सारे जोन्स हैं, एक्चुअली जोन्स है बहुत सारे इनके लिए, कोर जोन, बफर जोन, 20 किलोमीटर्स दूर, बहुत सारे टाइप्स के जोन हैं, है ना। तो हम लोग जो है कोर जोन देख, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइगर देखने, कहाँ पे आपको टाइगर देखने, कौन से जोन में। तो फिर सबसे ज़्यादा चांसेस तो रहते हैं आपके कोर जोन में देखने के, पर जब आप आओगे रास्ते से देर इट, आपको बफर जोन से आना पड़ेगा पूरे रास्ते से, कम होते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो उधर लिखे भी रहते हैं कि ड्राइव स्लो, इंजॉय द नेचर। सो जैसा कि इंस्ट्रक्शंस है हमें फॉलो तो करना ही है, तो हम तो इंजॉय कभी कर सकते हैं नेचर को, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो है इट्स अबाउट टू बी 9 एंड हम लोग जो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना सुंदर, कितना पीसफुल व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे लैंटर्न्स लगे हैं, ये देखिए टू है, ये देखिए बहुत सारे ट्रीज, देखिए कितने ऊपर ऊपर तक ट्रीज हैं। एंड ये देखिए कोटेज हैं, सारे सारे कोटेज हैं यहाँ पे। ओके, स्ट्रेट है एकदम जो कोटेज है, आई मीन जो ब्रेकफास्ट हॉल है, डाइनिंग हॉल, हम डाइनिंग हॉल में करेंगे। यहाँ पे हमको ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री मिला है। ओके हम लोग पाथ से बढ़ रहे हैं आगे, ये वही पाथ है। तो
हम लोग इस होटल में रुके हैं, इस रिजॉर्ट में आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जगह है, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। पाथ जिससे हम लोग जाएंगे अपने रूम की तरफ। इस रिजॉर्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, जैसे मैंने बहुत बार आगे ही बोला है ना, तो ये देख सकते हो आप पूरा जो व्यू है। चलिए आ जाओ, लेट्स गो। फ्रेंड्स हम लोग अपने कॉटेज की तरफ, ये वन नंबर कॉटेज है, आइए मैं आपको और भी कॉटेज जो है वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है बुकिंग काउंटर पे रुके हुए हैं, जहाँ से हम अपने टिकट्स बुक करेंगे सफारी के लिए, है ना। हम तो ऑफलाइन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से हम बुकिंग करेंगे, फिर हमको जो जिप्सी जो लाइक जो गाड़ियाँ हैं उनकी टिकट लेनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी उनको सिंपली टिकट, जिससे वो हमको वो जो कार है वो बुक करवा देंगे। ये एक कार की कैपेसिटी होती है 6 पर्सन, आई थिंक दैट 6 पर्सन एक कार में एक साथ बैठ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि बुकिंग काउंटर कहाँ पर और जिप्सी बुकिंग काउंटर कहाँ पर। ओके तो स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन वाला जिसमें लगा है जिप्सी बुकिंग का ऑफिस। ओके एंड अभी हम बात कर लेते हैं बुकिंग काउंटर की, तो वहाँ से उस रोड से आते हुए ये एक ऑफिस आपको दिखने वाला है, दूसरे सेकेंड को यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके ये जो है हमारा बुकिंग सेंटर होगा, ये टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में आपको अपनी टिकट्स बुकिंग करनी है। इधर एक कैंटीन है एंड इधर शॉप्स भी हैं जहाँ से आप क्लॉथ्स वगैरह हैट्स वगैरह बाय कर सकते हैं। ओके सफारी के लिए खड़ी हुई है बहुत सारी गाड़ियाँ, अभी यहाँ से निकलेगा। ये मेन गेट है जहाँ से एंट्रेंस है जाने के लिए।
बहुत खुश बस वाघ ही बाबा वाघ भाई में बसा मतलब पार्टी हॉल का हॉल तो फंक्शन हो रही है ना है यार की लग रहा है पार्टी के लिए जब काम खा रहे हैं अब तो सब कुछ था काम कर जगह नहीं चला तो हम जगह चिल्ला गए तो अभी ना चलो
ଏରେ କହିଥିଲେ 10 କିଲୋ ଉତରନେ 10 କିଲୋ ଉପରେ କାଟିବା ¿Qué es lo que hay?